ब्रेक से वापस आ गए हैं हम, तो मजीद लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? अब्दुल्ला। आपका नाम? हमजा अहमद। कौन सी क्लास? 8 में, सेकंड ईयर। 7। क्या रिश्ता तीनों का? ये मेरा कज़न है और हम तीनों कज़न हैं आपस में। तीनों कज़न? कौन किसका बच्चा है? ये दोनों खाला के बेटे। और आप? मैं। अच्छा चले जी, मुझे बताएं वो कौन सा परिंदा है जो अगर इंसान को किक मारे तो इंसान मर जाए? छोटा सा है हालांकि वो, मगर बहुत ताकतवर है। हाथी। हाथी परिंदा है? वैसे बता रहा हूँ। परिंदा है, छोटा सा। छोटा सा परिंदा है। पैरेट। ईगल। नहीं बेटा, चलो सवाल चेंज कर देते हैं। मुझे बताएं वो कौन है जो आपकी आंटी है मगर आप, वो कौन है जो आपकी कज़न की आंटी है मगर आपकी नहीं है? क्योंकि जो कज़न की आंटी है वो हमारी आंटी तो नहीं। हाँ, आपकी नहीं है। फुफो भी आंटी है ना, फुफो खाला जो भी हैं तो आंटी। वो कौन है जो आपकी आंट हैं, आपकी आंटी हैं मगर आपकी कज़न्स की हैं आपकी नहीं है? वाई। क्योंकि वो उनकी आंटी हैं। अरे भाई वही बोल रही हूँ तो, मगर आपकी नहीं है। सारी आंटियाँ नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है, जरा बाल दो उधर करके दिखाना, उधर करो मुंह उधर। ये क्या है, एक तरफ है एक तरफ नहीं, कौन सा फैशन है? हाँ वैसे अच्छा फैशन है, जो भी है। क्या सुनाओगे? सॉन्ग। काली काली ऐन कांपा, काले काले शू लैके गड्डी, काली काली तेरी गली वाड़े दा, बच्चे बच्चे विच हिट, कुड़ियां दा बैड फिटे, मुंडा जट्टां दा जवाई, तू बना लै करे दा, तेरे उत्ते मारे दा, तेनू प्यार करे दा, उन जो भी कहेंगी वो भी कर दूं, तेरी तेरी सौ मुंडा नहीं हो कच देयां दा, सीधा तेन दो मैं रिंग सोने दी, फुल फल देन दा यो कम बच्चेयां दा, फेर तू भी मेरी जान हो जीवे ते मेरे बां, लुट्टा मेरिया दा दस कि तू का दा बारे दा, काली काली ऐन कांपा, काले काले शू लैके गड्डी, काली काली तेरी गली वड़दा, बच्चे बच्चे विच हिट, कुड़ियां दा बैड बिटे, मुंडा जत्तां दा जवाई, तू बना लै करदा, इशबो आए रफ्तार, दिल तेरी गालों का ऑल ब्लैक, रंग तेरे बालों का ऑल ब्लैक, चढ़ती है मुझे धीरे धीरे आजा मेरी लाल, तुम आल है ऑल ब्लैक, हाउ डैट, तू है देने वाली काफ़ी लड़कों को मेरी जगह हॉट एंड डैट, सब देते तुझे नंबर पर बस मुझको ही करती तो कॉल बैक, ये मुझे पसंद रंग काला, बेबी तेरे काले रंग वाला यार बड़े दिल वाला, मैं तो दुनिया के रंग में दरंगने वाला, मुझे भोलने संभाल, तो चल के फिसल के जो घड़ी जो बगल में है, डल के वो हल्की है, डलते हैं दिन होते डलते हैं, बेबी ऐसे छोटे मोटे मेरे घर पलते हैं, हाँ होना इतनी तो सीरियस, डैट मेरी कार में दिखा दो ये फास्ट एंड फ्यूरियस, काली काली ऐन कांपा, काले काले शू लैके गड्डी, काली काली तेरी गली वड़दा, बच्चे बच्चे विच हिट, कुड़ियां दा बैड फिट, मुंडा जट्टां दा जवाई, तू बना ला करदा, तेरे उत्ते मारदा, तेनू प्यार करदा। वेरी नाइस, कैसे याद किया? ऐसे फ्री टाइम। फ्री टाइम में? फ्री टाइम कब मिलता है? फ्री टाइम सुबह मैं स्कूल से आता हूँ, स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद पारा, पारा पढ़ के जब मैं घर आता हूँ, फिर उसके बाद एक दो घंटा थोड़ा बहुत। अल्लाह, तू घर कब आता है? मैं घर आता हूँ 8 बजे और फिर 10 बजे फिर सो जाता हूँ। और सुबह जाता है कितने बजे? सुबह मैं जाता हूँ 8 बजे। ये ले जी बस पढ़ाई में बच्चे फंस गए हैं। लॉर्ड न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू गाइस। जी माशाल्लाह, बच्चा तो जी बड़ा पढ़ता है, सुबह 8 बजे जाता है और रात को 8 बजे वो घर आता है। वेरी नाइस। अभी तो नाइस ही है लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अग्रेसिव हो जाएगा, खुद के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करें। स्कूल से आ रहा है, ऑलरेडी पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ाएं, सुपारा बहुत इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर पढ़ाएं, ट्यूशन उसको ऐसा करें कि वीक में 3 या 4 डेज कर दें तो भी कवर हो जाएगा। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद। आपका क्या नाम? अतहर सईद। क्या करते हैं आप? मैं वावडा मुलाजम। आप क्या करते हैं? आर्मी में। आर्मी में, जबरदस्त।
کہاں ہیں یہ آپ کے بیٹے بیٹے ہیں فرما بردار ہیں بالکل پکی بات پکی بات اچھا کتنی دفعہ ان کو آپ نے لگائی ہیں نہیں پیار پڑتا تھا بہت زیادہ بہت زیادہ لگائی نا ایسے آرمی میں جو ہوتے ہیں وہ زیادہ لگاتے ہیں اپنے بچوں کو چلے جی آپ سے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ریڈی ہیں آپ جی مجھے بتائیں دنیا کا سب سے بڑا پھول کس ملک میں ہے دنیا کا بڑا پھول کیا سب سے بڑا پھول کس ملک میں ہے برطانیہ میں پاس نہیں سوری جاپان میں نہیں چائنا میں آئی سے نام شروع ہوتا ہے اس کا آئی سے اٹلی انکل اتنے انٹیلیجنٹ ہیں آپ تو ٹرائی ہی نہیں کر رہے آپ بھی کوشش کریں میں بھی اٹلی کہنے لگا تھا آئی سے تو بہت سارے نام ہیں آئرلینڈ کوئی بات نہیں کیا شیئر کریں کیا سنانا ہے گانا تھوڑا سا دو لینے پاگا والیو نام جپو مولانا نام مولانا بندہ مکڑی تولے تکڑی ہاتھ وچ لکڑی جب دوروے مولانا نام مولانا پاگا والیو نام جپو مولانا نام مولانا سر پھلکاری بوٹیاں والی سر پھلکاری بوٹیاں والی جب دربے مولانا نام مولانا پاگا والیو نام جپو مولانا نام مولانا گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں دیوانہ یہ دل ہو گیا سنبھالو مجھ کو او میرے یارو سنبھلنا مشکل ہو گیا گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں دیوانہ یہ دل ہو گیا دل میں میرے خواب تیرے تصویریں جیسے ہو دیوار پر تجھ پہ فدا میں کیوں ہوا آتا ہے غصہ مجھے پیار پر میں لٹ گیا مان کے دل کا کہا میں کہیں کا نہ رہا کیا بتاؤں دل ربا تیرا یہ جادو تیری آنکھوں کا یہ میرا قاتل ہو گیا گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی دیوانہ یہ دل ہو گیا ویری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ شکریہ تھینک یو ویلکم جی بہت پیارے باپ اور بیٹے تھے اچھا انہوں نے بتایا کہ بڑے لگاتے تھے یہ بڑی مار پڑتی تھی ان کو آرمی آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے بچوں کو زیادہ مار پڑتی ہے کیونکہ انہوں نے ٹریننگ میں بڑی کھائی ہوتی ہے بڑا سخت کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو سخت جان بنایا ہوتا ہے بہت اسٹرانگ تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ بنیں تو ان کی اچھی خاصی جو ہے وہ آئے دن کلاس ہوتی رہتی ہے اور اس وجہ سے ان کے جو بچے ہیں وہ زیادہ میکو پڑھتے بھی ہیں یو نو اگر نیگیٹو ایکسپیکٹ ہے تو ساتھ ساتھ پازیٹیو ایکسپیکٹ بھی ہے کس یار سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام سدرا نور کیا کرتی ہو سدرا ہاؤس وائف اوکے یہ بڑا پیارا دوپٹہ ہے کہاں سے لیا بیٹس بھی لگی یہ پیکجز مال سے اوکے جی کتنے کا ملا یہ 350 کا 350 کا اچھا لگ رہا ہے چلو جی بتاؤ کہ آج مال میں کیسے آنا ہوا
बस वैसे ही घूमने फिरने के लिए आए हैं। घूमने फिरने के लिए आए हैं। चले जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा फूल किस मुल्क में पाया जाता है? नहीं पता। दुनिया का सबसे बड़ा फूल पाकिस्तान में? नहीं। क्या सुनाओ? ब्यूटी टिप्स बालों का, बाल सिल्की करने का तरीका है, प्याज का पानी निकाल के बालों में लगाएं और एक घंटा रहने दें, फिर शैम्पू कर लें, बाल सिल्की हो जाएंगे, रफ बाल सही हो जाएंगे। ये आंखों पे जो लगाया है काजल, ये पानी वाला लगाया या दूसरा लगाया? पानी वाला, वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ लगाया। अच्छा मुझे बताओ, शादीशुदा? हाँ जी। कितना अर्सा हुआ शादी को? 2 साल। अपने हस्बैंड की कोई बहुत अच्छी आदत बताओ। सारी आदतें अच्छी, कोई एक जो दिल को लगे। मुझे शॉपिंग इतनी ज़्यादा कराते हैं। अच्छा, शॉपिंग का शौक है? हाँ जी। हफ्ते में कितने की शॉपिंग कर लेती हो? हफ्ते में नहीं, बस 2 महीने बाद। कितने की कर लेती? 7,000-8,000। मुझे, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। यू वेलकम जी। बड़े अच्छे शौहर हैं इनके, वो बता रही थी। उनका अच्छापन ये है कि ये वो इनको जो है हर 2 महीने बाद 7,000-8,000 रुपये की शॉपिंग करा देते हैं। फनी, अगर शॉपिंग से ही उनके अच्छे होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कुछ लोगों के लिए, मेरा नहीं ख्याल ये कोई बड़ी बात है। अच्छाई तो होती है कि वो आपको अंडरस्टैंड करें, आपको सपोर्ट करें, आप पे ट्रस्ट करें, आपसे कभी नाराज़ ना हों, आपको अच्छे से अच्छे जो हैं वो तरीके से प्रोटेक्ट करें, आपकी बैकबोन बने, आपकी सपोर्ट बने। ये चीज़ें जो हैं ये अच्छाई में काउंट होती हैं। एक लड़की के लिए आप शादी से पहले उसका जो भी लाइफ होती है, शादी के बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। उसने कैसे घर में जाना होता है जहाँ वो किसी को नहीं जानती, तो वहाँ जब तक उसका शौहर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि खामंद का बहुत मेजर रोल होता है। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ें अच्छाई में ज़्यादा काउंट होती हैं। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? माहीन। नायाब। मुस्तफ़ा। कौन सी क्लास? 2-6। क्या करती हैं? मैं स्पेशल बच्चों को टीच करती हूँ। वेरी नाइस। कहाँ पे? ग्रीन मेडो स्कूल, रेमिडियल स्कूल है, और वो स्पेशल जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं और उन बच्चों का वो स्कूल। कैसा लगता है आपको वहाँ? बहुत अच्छा लगता है जब हम एक बच्चे जो डिसेबल हैं, उनको लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उनको टीच कर रहे हैं और बता रहे हैं। वेरी नाइस। दोनों में से ज़्यादा अकलमंद कौन है, शरारती कौन? शरारती ये बहुत है, ये माशाल्लाह बहुत समझदार है। और लाइक कौन है? ये फिलहाल तो अच्छा जा रही है। कितने मार्क्स आ जाते हैं? ये 80%, 82%, 96। अच्छा, कभी तो ये हुआ, क्लास भी तो छोटी है और मेरे 90s में भी आ जाते हैं अक्सर। अच्छा, वेरी नाइस। चले जी, बहन से लड़ता ही है? कभी कभी लड़ता है। किस बात पे लड़ाई होती है जनाब? जब ये तंग करती है मुझे। कैसे तंग करती है? नकल उतारती है मेरी, और जिस बात से मैं चिढ़ता हूँ वही बोलती है। किस बात से चिढ़ते हैं जनाब? अलग अलग बातें होती हैं, कोई एक बात को लेके बैठ जाता है, फिर उस पर चिढ़ने लग जाता है, फिर उस पर लड़ाई हो जाती है। कोई नहीं। चलो जी, सवाल करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा फूल किस मुल्क में है? कोशिश करें ना, एक तो लाइक बच्चे और आप टीचर, आप कोशिश तो करें। सबसे बड़ा फूल अमेरिका? ओके, लेट मी हेल्प यू गाइस। आई से शुरू होता है उसका नाम। से आयरलैंड। इंग्लैंड तो होगा ना। आई से बेटा, आई से। इंडिया बोला नहीं था उसने। क्या सुनाएंगे? शेर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वेरी नाइस। इलामा इकबाल का शेर। टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पर आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचू किस तरह आशियां तक हर चीज पछा गया अंधेरा,
سن کے بلبل کی ازاری جگنوں کوئی پاسی سے بولا حاضر ہوں مدد کو دل و جان سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ تھینک یو یو ویلکم جی یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پھول کس ملک میں ہے حالانکہ بچے 90s میں جو ہے 90% لے لیتے ہیں مدر ٹیچر ہے پھر بھی ان کو جواب نہیں آیا سو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو یہ نہ فیل کرے کہ آپ لوگ نالائق ہیں یا نہیں کیمرے کے سامنے اکثر لوگ جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں چلے اس کا نام آئی سے ہے آپ سوچیں جی ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا مجھے لینی پڑے گی آپ سے اجازت بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ اوکے وہ کون سا پرندہ ہے جو انسان کو کک مارے تو انسان جو ہے وہ مر جائے تو وہ ہے کوسوواری برڈ دوسرا دنیا کا سب سے بڑا پھول کس ملک میں ہے بہت ہنٹ دیا آپ کو آئی آپ کو نہیں سمجھ آئی تو وہ ہے انڈونیشیا میں دنیا کا سب سے بڑا پھول تو آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے فیوریٹ پروگرام بوجھو تو جیتو تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھنا ہے اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیجیے خدا حافظ